रिलायंस ग्रुप पर 1,25,000 करोड़ का कर्जा, वेदांता ग्रुप पर 1,03,000 करोड़ का कर्जा, एसआर ग्रुप पर 1,01,000 करोड़ का कर्जा, अडानी ग्रुप पर 96,000 करोड़ का कर्जा, जेपी ग्रुप पर 75,000 करोड़ का कर्जा, जेएसडब्ल्यू ग्रुप पे 58,000 करोड़ का कर्जा, जीएमआर ग्रुप पे 47,000 करोड़ का कर्जा, लैंको ग्रुप पे 47,000 करोड़ का कर्जा, वीडियोकॉन ग्रुप पे 45,000 करोड़ का कर्जा, जीबी के ग्रुप पर 33,000 करोड़ का कर्जा, 8,55,000 करोड़ का कर्जा, बड़े बड़े उद्योगपतियों को बांट दिया। ये सरकार ये कहती है, माननीय मोदी जी की सरकार कहती है 10,09,000 का कर्जा लोगे तो तुमको जेल में डाल दिया जाएगा। हमारी केंद्र की बैठी हुई सरकार कहती है 9,000 का कर्जा लोगे तो जेल में डाल दिया जाएगा, 9,000 करोड़ का कर्जा लोगे तो जहाज में बैठाकर लंदन पहुंचा दिया जाएगा, लंदन। ये काम ये करना चाहते हैं मान्यवर, मान्यवर ये इस देश को तोड़ना चाहते हैं, इस देश की गंगा जमनी तहजीब को बर्बाद करना चाहते हैं। आज इस देश का लोकतंत्र खतरे में है, हो सकता है कल को कोई पार्टी सत्ता में रहे फिर दूसरी पार्टी सत्ता में रहे, आज हमारी आवाज को आप दबा सकते हैं। और मुझे आपका दर्द भी समझ में आ रहा है कि आम आदमी पार्टी के 3 सांसद आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के इतने मित्र मिलकर किस प्रकार से एक आदमी की स्पीच नहीं होने दे रहे। यह आपकी बौखलाहट का नतीजा है, यह आपकी बौखलाहट का नतीजा है, यह आपकी बौखलाहट का नतीजा है। परेशान मत होना, परेशान मत होना, 6 साल यहाँ रहूंगा और एक एक दिन आपके लिए मुश्किल का दिन होगा। घोटाले कर रहे हो राफेल में, उसको भी उजागर करेंगे, भ्रष्टाचार कर रहे हो उसको भी उजागर करेंगे, लिंचिंग करा रहे हो उसको भी उजागर करेंगे। आम आदमी की आवाज को खामोश नहीं रहने देंगे, सीलिंग से व्यापारियों को उजाड़ रहे हो उसके खिलाफ भी लड़ेंगे, देश के अंदर तानाशाही ला रहे हो उसके खिलाफ भी लड़ेंगे। हम चुप रहने वाले लोग नहीं हैं, आम आदमी की आवाज को देश के अंदर दबाया नहीं जा सकता है। आपका आपका हिंदुस्तान की आजादी में क्या इतिहास है, आपका हिंदुस्तान की आजादी में क्या इतिहास है? संजय सिंह, आप दूसरों को संजय सिंह प्लीज का सर्टिफिकेट बांटते हैं, संजय सिंह प्लीज को राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट बांटते हैं, पाकिस्तान भेजना चाहते हैं सबको, आप पाकिस्तान भेजना चाहते हैं, संजय सिंह आप पाकिस्तान भेजना चाहते हैं। एक मिनट सर, एक मिनट अंतिम सर, अंतिम एक मिनट सर, नो नो नो, एक मिनट सर, एक मिनट सर प्लीज, ये पाकिस्तान भेजना चाहते हैं सबको, ये राष्ट्रवाद का प्रमाण पत्र बांटते हैं। इट इज फॉर मी टू डिसाइड, इसकी जो मात्र संस्था है आरएसएस, संजय सिंह अपने कार्यालय पर टाइम ओवर तक तिरंगा नहीं फहराया, टाइम ओवर, ओके, ये राष्ट्रवाद सर्टिफिकेट बांटते हैं। नाउ यू कैन, नाउ यू सिट डाउन, जिन्होंने पठानकोट में आई बैठिए, बैठिए कर हमारे शहीदों की जांच कराई, बैठिए, हमसे राष्ट्रवाद का प्रमाण पत्र मांगते हैं, जिनका राष्ट्रीय अध्यक्ष ओके बैठिए बैठिए दलाली खाते हुए संजय सिंह प्लीज सिट डाउन, राष्ट्रवाद का ओके, श्री अब्दुल वहाब, अफजल गुरु को श्री अब्दुल वहाब वाली पीडीपी के अब्दुल वहाब प्लीज, कश्मीर में संजय सिंह वो हमसे अब्दुल वहाब प्लीज सर्टिफिकेट मांगते। मान्यवर मैं आपसे कहना अब्दुल वहाब विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूँ, संजय सिंह को रोकिए, को इस देश में रोकिए, तानाशाही से देश नहीं चलेगा, तानाशाही से देश नहीं चलेगा, उजाले से देश नहीं चलेगा। आप सबसे बड़ा मुद्दा सामने आया है वो इस देश के लोकतंत्र को बचाने का मुद्दा है। मान्यवर आज इस देश का लोकतंत्र खतरे में है, और ये बात कोई संजय सिंह नहीं कह रहे, ये बात इस सदन का कोई सदस्य नहीं कह रहा है, बल्कि हिंदुस्तान की सर्वोच्च न्यायालय के 4 प्रतिष्ठित न्यायाधीशों ने बाहर आकर, पहली बार आजादी के बाद यह घटना हुई है कि 4 न्यायाधीशों ने कहा हिंदुस्तान का लोकतंत्र खतरे में है, हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने की आवश्यकता है। माननीय आज हिंदुस्तान के लोकतंत्र पर जिस प्रकार से एक के बाद दूसरा हमला हो रहा है, ये लोकतंत्र हमको आसानी से हासिल नहीं हुआ है। माननीय ये आजादी हमको बहुत आसानी से हासिल नहीं हुआ, ये संविधान हमको बहुत आसानी से हासिल नहीं हुआ, इस संविधान को, इस देश की आजादी को पाने के लिए शहीद आजम भगत सिंह ने, सुखदेव ने, राजगुरु ने, रामप्रसाद बिस्मिल ने, अशफाक उल्ला ने, राजेंद्र लहड़ी ने, खुदीराम बोस ने, और
जब इस देश के अंदर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने आंदोलन चलाया, उनके त्याग और बलिदान से देश आजाद हुआ है। किसी फर्जी राष्ट्रवादी के त्याग और बलिदान से देश आजाद नहीं हुआ है माननीय। मैं कहना चाहता हूं, मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपसे कहना चाहता हूं माननीय, आज जिस प्रकार से देश के अंदर हालात पैदा किए जा रहे हैं, चुनी हुई सरकारों को, लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकारों को, ऐसी सरकारों को जिनको प्रचंड बहुमत से देश की जनता ने चुना, उस सरकार को चलने नहीं दिया जाता माननीय। चाहे वेस्ट बंगाल की सरकार हो, चाहे दिल्ली की सरकार हो, एक निर्वाचित सरकार जिसको 70 में से 67 विधायकों का बहुमत मिला, हमसे क्या दुश्मनी है सरकार से, इस देश की सरकार की, मुझे समझ में नहीं आता माननीय। चुनाव में हमारे प्रधान सेवक ने, देश के प्रधानमंत्री जी ने, वो देश के प्रधान अभिभावक भी है माननीय, मुझे तकलीफ है, कष्ट है, पीड़ा है इस बात की कि देश के प्रधान सेवक ने रामलीला के मैदान से कहा, अरविंद केजरीवाल तो नक्सलवादी है, इसको जंगल में भेज देना चाहिए। मान्यवर मुझे तकलीफ है इस बात की, पीड़ा है, देश का प्रधान सेवक एक व्यक्ति को नक्सलवादी कह के संबोधित करता है। मैंने उसी दिन कहा था, प्रधानमंत्री जी ये लोकतंत्र है, जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, यहां जनता मालिक होती है, जनता जिसको चाहती है वो जंगल में जाता है, जनता जिसको चाहती है वो विधानसभा में जाता है, और देश की जनता ने 67 विधायकों के साथ अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की विधानसभा में भेजा मान्यवर, और 3 विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी को जंगल में भेजने का काम किया मान्यवर। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपसे कहना चाहता हूं, नफरत की बुनियाद पर हिंदुस्तान नहीं चलेगा, मोहब्बत की बुनियाद पर हिंदुस्तान चलेगा। आम आदमी की आवाज को दबाने की कोशिश मत कीजिए, आम आदमी की आवाज को दबाने की कोशिश मत कीजिए, सही सुनने की क्षमता रखिए, सही चुनने की क्षमता रखिए मान्यवर। मैं कहना चाहता हूं, ये वो लोग हैं जो इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं, ये वो लोग हैं जो ताजमहल को तोड़ना चाहते हैं मान्यवर। हम यहाँ आए तो आपने हमको सौगंध दिलाई मान्यवर, इस देश के संविधान की रक्षा की, इस देश के एकता और अखंडता को अक्षुण रखने की आपने यहां सौगंध दिलाई मान्यवर। लेकिन मुझे जरा बताइए, एक चुना हुआ इनका विधायक कहता है ताजमहल इसलिए तोड़ देना चाहिए क्योंकि उसको मुगलों ने बनाया। मैं पूछना चाहता हूं, कुतुब मीनार भी तोड़ डालो, उसको भी मुगलों ने बनाया, देश की पार्लियामेंट भी तोड़ डालो, देश का राष्ट्रपति भवन भी तोड़ डालो, टीटी रोड भी तोड़ डालो, हिंदुस्तान नफरत की बुनियाद पर नहीं बनेगा, मोहब्बत की बुनियाद पर हिंदुस्तान को बनाना है, हिंदुस्तान को आगे ले जाना है। वो कहते हैं मारो काटो लोगों को बर्बाद करो, और हम कहते हैं बेघर बेदर लोगों को आबाद करो। ये हमारी राजनीति का हिस्सा है, ये गंगा जमुनी तहजीब का देश है मान्यवर, ये वो देश है जहां पर बिस्मिल्ला खान की सहनाई संकट मोचन के मंदिर में घुसती है मान्यवर, ये वो देश है जहां मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत लिखते हैं मान्यवर, ये वो देश है जहां मोहम्मद रफी गाना गाते हैं, मेरे रोम रोम में बसने वाले राम जगत के स्वामी अंतर्यामी मैं तुझसे क्या मांगू। इस देश के अगर नफरत की बात की जाएगी, भाई से भाई को बांटने की बात की जाएगी, हिंदू से मुसलमान को लड़ाने की बात की जाएगी, अगर आप पिछड़ा और दलित सवर्ण की बात की जाएगी, मुझे बहुत अफसोस है कि इस देश के लोकतंत्र को आज जिस प्रकार से कुचलने की कोशिश की जा रही है। एक निर्वाचित सरकार है दिल्ली के अंदर, उस निर्वाचित सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल है, क्या गुनाह है उस केजरीवाल की सरकार का? ये गुनाह है कि वो बिजली आधे दाम पे देती है, ये गुनाह है कि पानी मुफ्त देती है, ये गुनाह है कि हमने किसानों को 50,000 रुपए हेक्टेयर मुआवजा दिया, ये गुनाह है कि हमने मोहल्ला क्लिनिक खोला, क्या हमारा ये गुनाह है मान्यवर की शिक्षा के स्तर को हिंदुस्तान में हमने सबसे बेहतर बनाने का काम किया? हमारा गुनाह क्या है, हमारा अपराध क्या है कि हम एक चुनी हुई सरकार को अच्छे ढंग से संचालित करना चाहते हैं, केजरीवाल की सरकार को लाट साहब के डंडे से आप चलाना चाहते हैं, लाट साहब के डंडे को बंगाल से दिल्ली तक आप चला रहे हैं, पूरा देश आपको देख रहा है, इसको बर्बाद करने की कोशिश मत कीजिए। उत्तराखंड में एक निर्वाचित सरकार को आपने बर्खास्त कर दिया, गोवा के अंदर आपने तिक्रम से सरकार बना दी, आपने मणिपुर में तिक्रम से सरकार बना दी, और आप उसको अपनी उपलब्धि गिनाते हैं। लोकतंत्र को बचाने की जरूरत है, लोकतंत्र को बचाने की जरूरत है मान्य। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल की सरकार को, आज एक चुनी हुई सरकार को, 70 में से 67 विधायकों वाली सरकार को अगर ये सरकार नहीं चलने दे रही है, तो इसका मतलब लोकतंत्र में हमारी कोई आस्था नहीं, लोकतंत्र में
लोकतंत्र में हमारी कोई आस्था नहीं। साथ एक मिनट बात सुनने दीजिए, आप बोल रहे थे, हम सुन रहे थे। माननीय मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस सरकार ने बड़े बड़े वादे किए थे अपने घोषणा पत्र में। घोषणा पत्र जनता के साथ आपका करार होता है। देश के प्रधानमंत्री ने चुनावी रैलियों में बड़े बड़े वादे किए थे, वो आपका इस देश की जनता के साथ करार है, उस वादे को आपको पूरा करना चाहिए। आपने कहा था इतना काला धन लाएंगे कि हर आदमी के खाते में 15 लाख जमा हो जाएगा। 15 रुपए भी आज तक किसी आदमी के खाते में नहीं पहुंचा। आज आपने चुनाव में कहा, मैं उम्मीद करता था कि अध्यक्ष जी यहां रहेंगे, मैं चुनाव में कहा 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, रोजगार का वादा आपने पूरा नहीं किया। 84% रोजगार आपके कार्यकाल में घटा है। आपने किसानों से कहा कर्जा माफ करेंगे, उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री जी ने चुनावी रैलियों में कहा हम कर्जा माफ करेंगे, लेकिन बड़ी विनम्रता पूर्वक मैं पूछना चाहता हूं, आपने उत्तर प्रदेश के किसानों के साथ क्रूर मजाक करने का काम किया है। 1 पैसे का कर्जा माफ किया, 2 रुपए का कर्जा माफ किया, 3 रुपए का कर्जा माफ किया, उत्तर प्रदेश के किसानों के साथ एक क्रूर मजाक करने का काम आपकी सरकार ने किया। और व्यापारियों की बात अगर हम करें, जिस व्यापारी ने आपको अपने कंधे पर उठाकर देश की सरकार बना दी, जिस व्यापारी ने आपको इतना लाइन में लगकर वोट दिया, आपकी क्या दुश्मनी है देश के व्यापारियों से जरा हमको बताइए। पहले नोटबंदी लाते हैं, फिर GST लाते हैं, फिर रिटेल में 100% FDI लेके आते हैं, अब जब बची खुची उनकी दुकान है उसको सीलिंग करके पूरे दिल्ली में उजाड़ने का काम करते हैं। 7 लाख व्यापारियों को आपने बर्बाद किया। तो आपने किसानों को धोखा दिया, आपने नौजवानों को धोखा दिया, आपने व्यापारियों को धोखा दिया, आपने इस देश के आम आदमी को धोखा दिया। और आप कहते हैं कि आप इस देश को तरक्की के रास्ते पर ले जा रहे हैं, आप इस देश को उन्नति के रास्ते पर ले जा रहे हैं। आज आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार को और उनके चुने हुए प्रतिनिधियों को इस सरकार ने एक के बाद दूसरी जिस तरह से उत्पीड़न करने का काम किया है, माननीय हमारे 15 विधायकों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। और विधायकों को तो जेल में डालना दूर की बात है, हमारे एक विधायक है सोमनाथ भारती, उनके कुत्ते को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस के 40 जवान पहुंचे थे, 40 जवान। ये है आपकी सरकार। इस प्रकार से आप विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, उनका गला घोटने के, उनके लोकतंत्र की हत्या करने की आप कोशिश कर रहे हैं। आपने दिल्ली के मुख्यमंत्री के कार्यालय पर CBI का छापा डलवा दिया, आपने शिक्षा मंत्री के कार्यालय पर छापा डलवा दिया, आपने हमारे स्वास्थ्य मंत्री के घर पर छापा डलवा दिया। आप दिल्ली के अंदर एक चुनी हुई सरकार को चलने नहीं देना चाहते। हमारे 20 विधायकों की आपने सदस्यता रद्द करवा दी, संसदीय सचिव बनाने के नाम पर वही संसदीय सचिव हरियाणा में सदस्यता रद्द नहीं होती, वही संसदीय सचिव हिमाचल में सदस्यता रद्द नहीं होती, वही संसदीय सचिव पंजाब में सदस्यता रद्द नहीं होती, वही संसदीय सचिव आसाम में मिजोरम में सदस्यता रद्द नहीं होती, लेकिन दिल्ली में 20 विधायकों की आपने सदस्यता रद्द करके लोकतंत्र की हत्या की है। चुनाव आयोग ने संस्थाओं का मर्दन कर रहे हैं, लोकतांत्रिक संस्थाओं को कुचलने का काम कर रहे हैं। ये ऊंची आवाज से आम आदमी की आवाज को दबाने की कोशिश मत कीजिए। मैं कहना चाहता हूँ इस सरकार से कहना चाहता हूँ अरविंद केजरीवाल को लाट साहब के डंडे से चलाने की कोशिश मत करो। हम जनता के हित में काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। चमन को सींचने में पत्तियां कुछ झड़ गई होंगी, यही इल्जाम हम पर लग रहा है बेवफाई का, मगर कलियों को जिसने राउंड डाला अपने पैरों से वही दावा कर रहे हैं इस चमन की रहनुमाई का। आप इस चमन की रहनुमाई का दावा कर रहे हैं। इस गरीब आदमी के, इस मुल्क के गरीब के दर्द को समझने का कोशिश कीजिए। ये लोहिया का देश है, ये गांधी का देश है, ये JP का देश है। डॉक्टर लोहिया ने नारा दिया था, राष्ट्रपति हो या चपरासी की संतान, सबको शिक्षा एक समान। लोहिया का नारा था, जब तक भूखा इंसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। और झारखंड के अंदर कोयला देवी की 11 साल की बच्ची संतोषी
भात भात कह के मर जाती है, आज भी इंसान भूख से मर रहा है 70 साल के बाद, और आपकी सरकार को यह राष्ट्रीय शर्म की सरकार है जिसको शर्म नहीं आती, भूख से गरीबी से लोग देश के अंदर मर रहे हैं, और आप यहां बैठकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। एक बात के लिए मैं इस सरकार से सहमत हूं, सुनने की क्षमता रखिए। एक बात के लिए मैं इस सरकार की तारीफ करूंगा, मेरे विपक्ष के मित्र हो सकता है मुझसे सहमत ना हूं, लेकिन अगर अंतरराष्ट्रीय भाषण प्रतियोगिता करा दी जाए तो नंबर एक पर ये सरकार आएगी, दो नंबर पर नहीं आएगी, ये मैं कह सकता हूं माननीय, ये मुझे पूरा यकीन है, भरोसा है इस सरकार के ऊपर। साथियों, किस प्रकार का हिंदुस्तान आप बना रहे हैं? आपने 40,000 रुपए का कर्जा नौजवानों को दे के बार बार मुद्रा 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 करते हैं, आपने कितनी मुद्राएं देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों को दी है उसको सुनना चाहेंगे क्या?